दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं मेरी रजाई आपके मेहमानों को ओढ़ने के लिए नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात के 9 बजे थे। रसोई साफ करके श्रुति कमरे में जा रही थी। अगले दिन बेटे का बोर्ड एग्जाम है, तो उसे थोड़ा गाइड करना था। पहला पेपर है, बच्चा थोड़ा नर्वस है। अचानक सासू माँ की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। बहू, अभी अभी रश्मि का फोन आया था। दामाद जी और समधी जी या किसी काम से आए हुए थे। उनका रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है, तो रात को यहाँ घर पर ही रुकेंगे। खाने की तैयारी कर लो। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक तरफ बेटे का पेपर, दूसरे अभी तो डिनर निपटा कर रसोई साफ करके निकली है। इतनी ठंड में फिर से डिनर बनाना नंदोई के सामने, एक सब्जी बना कर भी काम नहीं चलता। श्रुति का दिमाग जैसे सुन हो गया। मम्मी जी, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना लेती। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने तुझे बता दिया मुझे नहीं पता। दामाद जी और समधी जी की खातिर में कमी नहीं होनी चाहिए, श्रुति ने पति विवेक से कहा। तो विवेक ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर बन जाएगी। इससे श्रुति को बहुत तसल्ली मिली। विवेक ने सब्जियां ऑर्डर की और श्रुति ने रोटी का लिए आटा गूंथ कर रख लिया। मेहमानों की खातिर बहुत अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो श्रुति ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, सोने का इंतजाम कैसे करना है? कैसे क्या, तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे? सासू माँ ने जवाब दिया, मम्मी जी, कल सुबह का पेपर है, मैं अपना कमरा नहीं दे सकती, मुझे उसे पढ़ाना भी है। किसी तरह विवेक के कहने से सासू माँ अपना कमरा देने को तैयार हुई, तो बात रजाई पर फिर अटक गई। बहू, तुम अपनी रजाई दे देना उनको, लेकिन मम्मी जी, अगर मैं अपनी रजाई दे दूंगी तो हम क्या उड़ेंगे? मुझे नहीं पता।
तुम कैसे भी इंतजाम करो रजाई का, बच्चों की दे दो, वे दोनों एक रजाई में सो जाएंगे। मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं बच्चों को ठंड में कैसे सुला दूं, आप वो नई रजाई निकाल दो जो हमने पिछले महीने ही ली थी। अब भी सासू माँ नहीं मानी तो श्रुति को विवेक से कहना पड़ा, नई रजाई किस लिए ली गई है, अगर मेहमानों के आने पर वो रजाई नहीं निकलनी, हम ठंड में सोए और रजाई बक्से में रखी रहे। तब विवेक ने कह कर वो रजाई निकलवाई। अगले दिन मेहमानों के जाने के बाद जब सुबह सब एक साथ बैठे थे तो श्रुति बोली, विवेक आज ही मुझे दो रजाई दिलवाइए, क्योंकि कल तो मम्मी जी के मेहमान थे। तब वो रजाई निकालने के लिए तैयार नहीं थी। अगर मेरे मेहमान आएंगे तब तो रजाई बिल्कुल नहीं निकलेगी। अगर सब कुछ मुझे देखना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो गृहस्थी भी मेरी हुई। गृहस्थी मम्मी जी की और जिम्मेदारी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं अपने हिसाब से ही घर में सामान रखूंगी, जिससे किसी मेहमान के आने पर मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है तो ख्याल भी मुझे ही रखना है। और पापा जी के स्टडी रूम का गेस्ट रूम में बदलवाइए, क्योंकि किसी भी मेहमान के आने पर मैं अपना कमरा नहीं छोड़ सकती। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अलग कमरा चाहिए, श्रुति ने कहा और उठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सासू माँ उसे देखती रह गई। श्रुति को पता था उनकी आदत नहीं बदलने वाली, इसलिए वो भी कोई किसी पूछ नहीं रही थी। उसने भी अपना फैसला सुनाया था, क्योंकि उसे पता है कि सासू माँ गृहस्थी तो हमेशा अपनी बताती है, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पर डाल देती है। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही देखा गया है कि सासू माँ घर गृहस्थी पर तो अपना हक जमाती है, लेकिन जिम्मेदारी बहू पर डाल देती है। क्या ये सही बात है?